हाँ जी दोस्तों, स्वागत है थोड़ा सारे का अपने चैनल पर। आम स्टडी टिप्स से लैके हाजिर हुए दोस्तों नौवीं जमात के विद्यार्थियों लिए जिहड़ा तुहाडा गणित यानी कि मैथ का सितंबर का पेपर होना है। तो अज की वीडियो में आप सैंपल पेपर करवावे फुल सॉल्व, इस करके वीडियो एंड तक ध्यान देखते रहना। तो हाँ जी मित्रों, तुम्हें कोई होर पेपर चाहिए अपन कमेंट करके दस देना। तो हाँ जी दोस्तों, जो तुम अपने चैनल पर नवे हो चैनल में जरूर सबसक्राइब कर लेना, तो ना लगे घंटी ऑन कर दौ ताकि जब भी आप सोल्यूशन वाली वीडियो पाई वो नोटिफिकेशन सब तो पहले तुहाडे तक पहुँच जाए। तो हाँ जी मित्रों, चलो फिर शुरू कर दें जी वीडियो में। तो हाँ जी मित्रों, अपन टैलीग्राम से जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन है, तो इंस्टाग्राम से फॉलो कर लेना। तुम देख सकते हो दोस्तों, ये पेपर आएगा तो 80 मार्क्स का, 3 घंटे टाइम होगा। तो पहला देख सकते हो भाग उड़े पहला प्रश्न आ जाता है, 0 और 1 डैश संपूर्ण संख्यावां हन। हाँ जी मित्रों, यदा उत्तर है ऑप्शन नंबर एडा 0। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, 22/7 का दशमल विस्तार किस तरह का होगा। हाँ जी दोस्तों, यदा उत्तर है ऑप्शन नंबर दूजा, अशांत वर्ती वाला। ठीक है, इस तो अगर दोस्तों तीजा प्रश्न है मतलब ये बहुपद PX = x³ होगा, P³³ की होगा। हाँ जी मित्रों, यदा उत्तर है ऑप्शन नंबर दूजा एडा 1/27। ठीक है, इस तो अगर दोस्तों चौथा प्रश्न है अपन लवे, -2y² - 5 की जोड़े जाए कि -5 प्राप्त होवे। हाँ जी दोस्तों, यदा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, -5y². इस तो अगर दोस्तों अगला प्रश्न अपन लवे पांचवा, 2 समांतर रेखावां कट दी रेखा नाल बने इको पासे दे अंदरले कोणा दा जोड़ हुंदा है। हाँ जी मित्रों, यदा उत्तर हैगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 180। इस तो अगर दोस्तों अपन लवे प्रश्न आ जाता है छेवां, हेठ लिखे विचों केड़ा त्रिभुज की सरबंग सतमता का नियम है। हाँ जी मित्रों, उत्तर ऑप्शन नंबर ए, SAS। इस तो अगला प्रश्न है सातवां, अपन लवे एक त्रिकोण कार पार्क दिया भुजावां 11 मीटर 15 और 14 हैं, इसका एस पता करो। हाँ जी मित्रों, सातवें का अपन लवे आंसर निकल के आता है 20 मीटर। इस तो अगला प्रश्न है अठवां, अपन लवे इफ़ PE = 0.25 दैन P₀E, जे PE = 0.25 तो PE नहीं का मुल पता करो। हाँ जी मित्रों, अठवें का अपन लवे आंसर आ जाता 0.75, ऑप्शन नंबर डी। इस तो अगला प्रश्न है अपन लवे नौवां, चित्र विच दिखाए कोण ए अते कोण बी का आपसी संबंध की है। हाँ जी मित्रों, 90 डिग्री देने तुसी देख सकते हो, अते इहदा अपन लवे आंसर आ जाता है पूर्ण कोण नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस तो अगे दसवां प्रश्न हैगा अपन लवे, दिते त्रिभुजां दी भुजावां नूं वाधे क्रम विच लिखो। हाँ जी मित्रों, दसवीं का अपन लवे आंसर हैगा APD। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इस तो अगे ग्यारहवां प्रश्न आ जाता अपन लवे, दिते गए चित्र विच एंगल 4 = -2 है। हाँ जी मित्रों, ग्यारहवें का अपन लवे आंसर है (1+)(2), ऑप्शन नंबर 3। इस तो अगे दोस्तों बारहवां प्रश्न अपन लवे आ जाता, किसी घटना के सारे प्रमाणा की संभावना का जोड़ किन्ना हुंदा है। हाँ जी दोस्तों, इहदा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1। इस तो अगे दोस्तों तेरहवां प्रश्न अपन लवे, सतह के किनारे डैश हुंदे या हुंदियां हन। इहदा उत्तर दोस्तों तेरहवें का अपन लवे, रेखावां, ऑप्शन नंबर सी। इस तो अगे दोस्तों चौदहवां प्रश्न आ जाता है, JPE = 0.25 तो PE नहीं है। इहदा उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 0.75। पहला भी आया सी इस तरह का, इसका भी आंसर 0.75 है। इस तो अगे दोस्तों पंद्रहवां क्वेश्चन आ जाता अपन लवे, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेडिया गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका ना मारे जाने की संभावना पता करो। हाँ जी मित्रों, पंद्रहवें का अपन लवे आंसर है 4/5। इस तो अगे सोलहवां प्रश्न अपन लवे आ जाता, राम ते शाम मैच तो पहला टास लई एक सिक्का उछालते हैं, राम ने टास जीतने संभावना किन्नी होगी। हाँ जी मित्रों, यदा उत्तर है 1/2 होगी। ठीक है, इस तो अगे अपने लगे आ जाते हैं सही गलत क्वेश्चन 2 विच। पहला है हरेक अपरिमेय संख्या का एक वास्तविक संख्या है। हाँ जी मित्रों, यदा उत्तर ऑप्शन नंबर सही, ये सही है। ठीक है, इस तो अगे दोस्तों अपने लगे आता 0.9 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ जी मित्रों, इहदा उत्तर ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, अगला x² + x+2 3-पदी बहुपद है। हाँ जी दोस्तों, इहदा उत्तर है गलत। अगला हैगा दोस्तों चौथा, मतलब x³ - y³ के गुणनखंड x - y ब्रैकेट बंद। ठीक है,
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एक्स वाई हैं, यह उत्तर दोस्तों गलत। अगला पांचवा प्रश्न है, हीरो सूत्र अनुसार त्रिभुज का खेत्रफल यह जिहड़ा उन्होंने ब्रैकेट में दिता हुआ यह है सही है या गलत है। हाँ जी दोस्तों यदा उत्तर है सही। इस तो अगर अपना वह आता है छेवा प्रश्न, किसी सिक्के उछालन से चिता आने की संभावना, चिता आने की संभावना एक बटा दो होंगी है। हाँ जी मित्रों यदा भी उत्तर है सही। इस तो अगर दोस्तों सातवां प्रश्न अपन लवे, एक बिंदु तो होकर सिर्फ एक ही रेखा खिंची जा सकती है। हाँ जी दोस्तों यदा उत्तर है गलत। इस तो अगे अगला है अपन लवे अठवां, पूर्ण अपने भाग तो वड्डा हुंदा है। सही दोस्तों। इस तो अगर अपन लवे आ जाता है क्वेश्चन थर्ड, यानी कि अपन लवे फिल समझ लो फिल इन द ब्लैंक्स, इस विच ऑप्शन दिते हुए अपन जो आप दोस्तों आप तुम्हें प्रश्न करा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले ने, क्योंकि इन्होंने पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस करके इन्होंने चंगी तरह एक बार रिवाइज करके जरूर जाना। इस तो अगर दोस्तों पहली अपन लवे फिलअप आ जाती है, छे बटा पच्ची का दशमलव रूप डैश है। हाँ जी मित्रों इहदा उत्तर हैगा 0.24। ठीक है, अगला हैगा दूजी अपने फिलिप है, अठ अंडर रूट 15 डिवाइड 2 अंडर रूट 3 इजिकल टू डैश है। हाँ जी दोस्तों इहदा उत्तर है 4 अंडर रूट 5। इस तो अगे दोस्तों अपने भी तीजा आ जाता है, ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इजिकल टू ए क्यूब माइनस, ये स्टेटमेंट दिती हुई है अगे। इस तो अगे दोस्तों यदा आंसर हैगा तीजे का अपने वे 3 ए स्केयर बी। ठीक है दोस्तों, इस तो अगर अपने लगे आ जाता है चौथा प्रश्न, 5 एक डैश बहुपद है। हाँ जी मित्रों इहदा उत्तर हैगा सरल रेखी। इस तो अगे दोस्तों अपने लगे आ जाते हैं पांचवा प्रश्न, एक बिंदु के दुआले बने कोणा का जोड़ डैश होंदा है। हाँ जी मित्रों इहदा उत्तर है 360 डिग्री। अगला हैगा जेकर ट्राइंगल ए बी सी इजिकल टू पी आर क्यू तो ए बी डैश है। हाँ जी दोस्तों इहदा उत्तर है पी आर। इस तो अगे दोस्तों सातवां, किस त्रिभुज में किस दो भुजावां का जोड़ तीसरी भुजा तो डैश होंदा है। इहदा उत्तर हैगा दोस्तों सातवें का वड्डा। इस तो अगला हैगा अपना वे अठवां प्रश्न, दो वख वख रेखावां विचों डैश तो वध बिंदु सांझे नहीं हो सकते। हाँ जी मित्रों इहदा उत्तर है एक तो वध। इस तो अगे अपने लगे आ जाते हैं भाग एड़ा, भाग एड़े में अपने लगे आ जाने दो दो अंकों वाले प्रश्न अठ आएंगे, इस विच तुहानू ऑप्शन भी आ सकती है। तो जेहड़े अपन प्रश्न करावे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ने, अगे अपने सोल्यूशन भी दसांगे फुल सॉल्वड। पहला हैगा दोस्तों 0.47 पी क्यू के रूप में लिखो, यदा उत्तर दस दें आपको। पहला दोस्तों आप सारे प्रश्न दिखा देने, इन्होंने सारे ने फिर आप उत्तर दिखा देंगे, तुम देख सकते हो इस तरह के प्रश्न ने। पहला तुम्हें भाग एड़े के उत्तर दिखा देने। हाँ जी मित्रों भाग एड़े में चौथा प्रश्न है जो उत्तर हैगा तुम देख सकते हो, मल्टीप्लाई बोथ साइड, इस तरह इसका आंसर आ जाता है 43/90। इस तरह सॉल्व किए हुए ने सारे देख लेना। पांचवें का आंसर है -5/2। इस तो अगर छेवें का आंसर है 18। इस तरह दोस्तों तुसी देख सकते हो सी अपने कढ़िया सी छेवें का 126 अते बी 18। ठीक है, इस तरह दोस्तों इस तो अगर अपन लवे आ जाता सातवां प्रश्न, सारे गिण के भी जे सारे उच्च लिखे हुए हैं वो गिनने एक बार उसनों फिर टोटल नाल जिहड़ा अपाउन विच कर देना डिवाइड। इस तो अगे दोस्तों अठवां प्रश्न तुसी देख सकते हो प्रूव किया हुआ अपने किस तरह, नौवें का आंसर देख सकते हो, दसवां देख सकते हो, ग्यारहवां तुसी देख सकते हो। तो हाँ जी मित्र इस तो अगर अपने विभाग ईडी आ जाएंगे वड्डे प्रश्न, यानी कि चार चार अंकों वाले। इस तो अगे दोस्तों तुम दिखा देने आप वे प्रश्न किस तरह के आएंगे, इस विच तुहानू ऑप्शन आएगी जिवें कि बारहवां हैगा, इस विच तुहानू ऑप्शन है, इस तरह के प्रश्न आएंगे तुसी एक बार देख लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ने, तुहानू आपां मिलान भी करा दें। पहला दूजा हैगा शिखर सन्मुख कौन, इहदा उत्तर दोस्तों आऊगा बराबर, ये उरे गलत लिखा हुआ इन्होंने, यह आऊगा जो उरे बराबर लिखा हुआ बराबर ना मैच करते हुए। ठीक है, इस तो अगे दोस्तों अपने वे अगला हैगा रिफलैक्स कौन 180 360 के विचकार हुंदा। इस तो अगे दोस्तों आपां तुहानू सारे क्वेश्चन दिखा देने एक बार कापी तो सॉल्व करे हुए। हाँ जी मित्रों यह हैगा तुहाडा भाग ईडी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने। तो हाँ जी मित्र तुम्हें एक्सरसाइजा भी करवाई हुई कापियों के उन्होंने यह प्रश्न उत्तर एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ने थोड़े लिए, तुम देख सकते हो एक बार आप दिखा भी दें। बाकी जोड़े दो चार रह गए वो आप अपनी कापी तो एक बार रिवाइज़ कर लेना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने आपको दिखाता PSEB साइट पर सैंपल पेपर आया, इस पेपर पाएंगे वैसे जो क्वेश्चन ने अलग हो सकते हैं बच्चों, बाकी सेम भी आ सकते हैं बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन, इस करके चंगी तरह रिवाइज कर लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर ने दोस्तों, नवी जमात जो सैंपल पेपर है आप सॉल्व करके दिखाता सारा,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਆ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਫੁੱਲ ਸੋਲਵ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਵ ਪੇਪਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫੋਲੋ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਰੀਲਸ ਅਤੇ ਫੋਟੋਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ।